ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। एलिगेटर इंडिकेटर, मगरमच्छ जैसा शिकार करना हो तो ये इंडिकेटर समझ लो। चलिए देखते हैं कौन सा ये इंडिकेटर है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसमें से अच्छे ट्रेड निकाले। ये भी जरूरी है कि कैसे इसमें से अच्छे ट्रेड निकाले, तो चलिए जानते हैं ये सब इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि हमने पूरी एक इंडिकेटर की सीरीज बनाने का सोचा है। बाद में क्या है कि हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बाद में अगर अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम प्राइस एक्शन की ओर भी चलेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। पहले क्या है कि हम समझ लेते हैं, तो इस इंडिकेटर में तीन लाइन आती है, एक होता है जो, एक होते हैं टीथ, एक होते हैं लिप्स। तो ये तीन लाइन जो होती है वो क्या है कि मगरमच्छ से कैसे रिलेट करती है वो देख लेते हो। तो आप जब भी मगरमच्छ को देखो तो आपको कब पता चलेगा कि वो शिकार करने के मूड में है या वो शांत है। तो नॉर्मल बात है, अगर उसका मुंह खुला होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये शिकार करने के मूड में है। तो जब भी उसका मुंह क्या है कि बंद होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये अभी शांत है। तो जब भी ये शिकार करने के मूड में होता है तो उसका मुंह खुला होता है। मतलब क्या होता है, इसका जो टीथ और जो इसकी क्या है कि लिप्स है, वो तीनों क्या है कि एक दूसरे से डिस्टेंस में होती है। तो एक आपको पता चलता है कि नहीं, ये इसका मुंह खुला है, क्या है कि ये अभी शिकार करने के मूड में। लेकिन जब आप मगरमच्छ को क्या है कि आराम से बैठे हुए, शांत से बैठे हुए देखोगे तो उसका मुंह बंद होता है। मतलब क्या हुआ कि जो जो टीथ और जो लिप्स है वो तीनों एक साथ है, मतलब पास पास करीब है, उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो यही होता है इंडिकेटर में, देखते हैं मार्केट में उसमें कैसे वर्क करना है वो सब। तो पहले हम जान लेते कि ये इंडिकेटर ऐड कैसे किया जाए। तो जहां पे भी आपका इंडिकेटर आते हो वहां आपको जाना है। जीरोधा में स्टडीज में आते तो वहां मैं जाऊंगा, आपको इधर दिखेगा एलिगेटर, तो एलिगेटर पे क्लिक करना है। बाद में क्या है कि सेटिंग पूछेगा, तो सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करने है, जो टीथ एंड जो लिप्स है उसके चेंजेस करने नहीं है। बाद में क्या है कि अगर आपको इसमें कलर चेंज करने हो तो आप कर सकते हो, वरना डन कीजिए। इन सिंपल कोई चेंजेस नहीं करने। तो आप देखोगे तीन मूविंग एवरेज जैसी ये लाइन आ जाएगी। बेसिकली ये है ही ऐसा, मतलब ये क्या है कि मूविंग एवरेज का क्या है कि कॉम्बिनेशन है। आप इधर देखोगे तो इसमें देखो मूविंग एवरेज मतलब 13, 8, 5, 3, तो मतलब ये मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन। जो ये ग्रीन लाइन है वो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, जो ये क्या है कि रेड लाइन है वो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, जो ये ब्लू लाइन है वो 8 और 13 का कॉम्बिनेशन। देखो आप अगर इधर क्या है कि मूविंग एवरेज की तरह वर्क करने लगोगे तो आपको क्या है कि बहुत सारे फेक सिग्नल भी मिल सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हाँ, अगर कहीं कहीं आप क्या है कि एक बड़ा ट्रेंड पकड़ सकते हो, लेकिन क्या है कि बहुत सारे फेक सिग्नल भी देखने को मिलते। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें वर्क कैसे करना है। तो मेन बात है, जो ये इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ वो क्या है कि मार्केट ट्रेंड जानने के लिए यूज करता हूँ। देखो ये 1 आवर्स का चार्ट है, तो इसमें देखना पड़ेगा तो आपको कौन सा ट्रेंड क्या है कि सही ट्रेंड में, तभी आप इंट्राडे में वर्क कर सकते हो। तो ये क्या है कि मेनली जो मैं यूज करता हूँ वो मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए यूज करता हूँ। तो देखो ये आपको तीनों लाइन क्या है कि इधर आपको क्या है कि एक दूसरे से दूर होती हुई दिखेगी, तो ये एक ट्रेंड में मार्केट होता है। जब ये एक दूसरे के पास आ जाती है तब चोपी मार्केट होता है, इसे हम आइडिया लगाते हैं। बाद में ये तीनों लाइन एक दूसरे से फिर से दूर हो गए, मतलब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है। तो जितनी ये तीनों एक दूसरे से दूर, मतलब उतना ट्रेंड अच्छा। जब ये एक दूसरे के साथ आ जाती है तब आपको मार्केट चोपी टाइप दिखेगा। आप देखिए इधर, आप इधर देख रहे हो तीनों एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, तो मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे, मतलब एक साइडवे चल रहा है, एक चोपी मार्केट है। तो इसमें वर्क कैसे करना है, जो इधर प्राइस एक्शन वगैरह जानते हैं, जो इधर चार्ट जानते हैं उसको आइडिया लग गया होगा कि क्या होगा। जो प्राइस एक्शन वगैरह जानते हैं तो उसके लिए एक हिंट दे देता हूँ। तो आप देखोगे जब भी ये क्या है कि ये साइडवे मार्केट होने लगे, मतलब ये तीनों लाइन पास आने लगे, तब आपको कोई ना कोई चार्ट पैटर्न दिखेगी। तो ये देखो इधर तीनों लाइन पास में आ गई है, तो बाद में देखो इधर क्या है कि फिर से एक चार्ट पैटर्न बना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, और मैंने भी देखा है कि जब ये क्या है कि कंसोलिडेट वगैरह जोन स्टार्ट कर दे, आप वहां देख रहे हो कि तीनों लाइन पास पास चल रही है, तो आपको वहां कोई ना कोई चार्ट पैटर्न दिखने को मिलेगी। या मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, जो प्राइस एक्शन वगैरह जानते हैं तो उसको एक आइडिया आ गया होगा कौन सी इधर क्या है कि चार्ट पैटर्न है, और उसका जब ब्रेकआउट दिया है तब आपको एक डाउन साइड मूव देखने को मिला है। तो ये भी है कि आप प्राइस एक्शन यूज करते हो तो आप इसको लगा के रखोगे तो आपको एक पता चलेगा कि नहीं, अभी ये इधर चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो ये एक और तरीका हो गया इसको यूज करने का। इन सिंपल आपको कहीं पे भी ये दिखे तो मेनली यूज उसको क्या है कि मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए करो।
देखो आप इधर से क्या है कि ये तीनों लाइन देखो क्रॉस ओवर होके क्या है कि एक दूसरे से क्या है कि डिस्टेंस में क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्या है कि देखो एक आपको अच्छा मुंह देखने को मिला है, बाद में इधर भी देखो तो आपको एक डाउन साइड अच्छा सा मुंह देखने को मिला है, बाद में देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये कभी मुंह नहीं होता, इसमें हम एंट्री भी नहीं लेते। तो इसमें एंट्री भी लोगे तो आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएगा, ऐसी दिक्कत आएगी। तो जब हम चौपी मार्केट होता है तब हम इसमें यूज़ नहीं करते। तो ये क्या है कि ये इंडिकेटर अच्छा है, जो क्या है कि स्टार्टिंग ओनली इंडिकेटर के बीच पे एंट्री लेते तो इसके लिए ये इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर किसके लिए अच्छा है, जो प्राइस एक्शन जानते हैं उसके लिए अच्छा है। तो मैं भी इसे यूज़ करता हूँ, मैं इसे कोई इंडिकेटर के लिए यूज़ नहीं करता, मैं इसे ट्रेंड जानने के लिए यूज़ करता हूँ, या तो क्या है कि कोई चार्ट पैटर्न फाइंड करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इधर भी है देखो, एक साथ में लाइन आ चुकी थी तो आपको इधर एक क्या है कि फिर से पैटर्न देखने को मिली और फिर से डाउन साइड आ गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या है कि जब भी ये क्या है कि पास पास ट्रेड करने को आ जाए तो आपको एक अच्छे से मूव वाला क्या है कि ट्रेड पकड़ सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो ये सब आप इजीली फाइंड कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से लर्न कर लीजिए, हमारे पास भी कोर्स है। अगर आप हमसे लर्न करना चाहते हो तो हमसे भी लर्न कर सकते हो, तो आपको कोर्स वगैरह की डिटेल वो नीचे मिल जाएगी। सो आपको अगर लर्न करना है हमारे से तो हमारे से भी लर्न कर सकते हो, अगर आप किसी और से लर्न करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और से भी लर्न कर सकते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है लर्निंग। तो वो लर्निंग आपको करनी चाहिए। जो आगे मैंने एलिगेटर का इमेज दिखा के जो बताया तो उसको कैसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं। तो जो देखो मैंने क्या बोला था कि मार्केट क्या है कि साइडवे तब चलता है जब ये तीनों लाइन अपने आसपास ट्रेड करने लगे। तो इधर देखो तीनों लाइन आसपास ट्रेड कर रही है, अगर तीनों लाइन को देखो तो तीनों लाइन क्या है, जो टीथ एंड लो, तो तीनों लाइन पास पास में आ गई। मार्केट अभी स्लीप में चल रहा है, मतलब मार्केट अभी क्या है कि आराम कर रहा है। और जो ये तीनों लाइन जब एक दूसरे से क्या है कि डिस्टेंस में आगे जाने लगेगी तो मतलब क्या होगा, मार्केट अभी शिकार के मूड में है, तो मतलब मार्केट एक्टिव हो चुका है। तो आप इधर देखोगे ये नीचे गया तो वो भी एक एक्टिव मूव था, बाद में ये देखो ये बड़ा सा एक्टिव मूव, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कोई ट्रेंड में है या मार्केट चोपी है। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट अभी चोपी है तो आप ना लो उतना ट्रेड अच्छा रहेगा। तो आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं जब चोपी मार्केट हो, साइडवे मार्केट हो तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो वो बात सही भी है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। तो वो जब भी चोपी मार्केट फिनिश होता है तो उसके बाद एक मूव आता है, तो वो मुंह कैचअप आपको करना आना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में यही था। ये क्या है कि जिसको ये क्या है कि प्राइस एक्शन यूज करते हैं और उसको पैटर्न फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, कहाँ कौन सी पैटर्न में वो फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसे लगा कर क्या है कि फाइंड कर सकते हो। आपको थोड़ा अपना माइंड भी यूज करना पड़ेगा, कौन सी वहाँ पैटर्न दिख रहे हैं, कहाँ मेरी एंट्री होगी, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा वो सब। और जो क्या है कि हम बात करते हैं कि इंडिकेटर बेस पे एंट्री ले सकते, तो इस इंडिकेटर के ऊपर हम कोई एंट्री नहीं लेते। ऐसा नहीं होता कि ये जब भी ये क्रॉस ओवर हुए तब हम एंट्री लेते, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो देखो इधर क्रॉस ओवर हुआ था लेकिन क्या है कि वहाँ से ही रिवर्स आ गया। तो ऐसा नहीं होता इस इंडिकेटर में कि ये क्रॉस ओवर हुए तो आप एंट्री ले सकते हो बाय या सेल साइड। ये क्या है कि आपको प्राइस एक्शन जब आपको आ जाएगा तब आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, पहले इस इंडिकेटर का जान लें, बाद में स्ट्रेटेजी है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम प्राइस एक्शन भी ऐड कर देंगे, तब मैं इसमें पूरे से बताऊंगा आपको इसमें कौन कौन सी पैटर्न मिल सकती है वो सब। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो ऐसे आगे लेके आएंगे। सो आपको क्या है एक नॉलेज मिले, एक अच्छे से जानकारी मिले, और जो मैंने एक सीरीज बनाने का सोचा है तो वो सीरीज भी कंप्लीट हो जाए, बाद में हम प्राइस एक्शन भी इसमें ऐड कर पाए शायद, तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स जरूरी है। तो प्लीज़ यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप हमें बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो किस इंडिकेटर में बनाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इसमें आ रहा है तो मैं लाइन में लेता जा रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ इंडिकेटर के बारे में पहले से जानना है, कुछ में क्वेरी वगैरह है, तो आप मेरे को पहले बता दो तो मैं क्या करूँगा उस इंडिकेटर पर वीडियो बनाऊँगा, बाद में इस लाइन को लूँगा। तो अगर आप किसी इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।